मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। श्रीनगर में लाल चौक के पास बाजार में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, 5 नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा विज्ञापन के जरिए धमकियों से डरे बिना लोगों से दुकानें खोलने की अपील करने के बीच श्रीनगर में शनिवार को आतंकियों ने लाल चौक के करीब बाजार में ग्रेनेड फेंक दिया। इस हमले में 5 नागरिक घायल हुए और सभी की हालत स्थिर है। वहीं पुलिस इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्कर का पीछा करते हुए भारतीय सीमा में घुसे बांग्लादेशी सैनिक ग्रामीणों ने पकड़ा। BSF ने बताया है कि 10 अक्टूबर को बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के 3 सैनिक और 2 महिला मुखबिर भारतीय ड्रग्स तस्कर का पीछा करते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पार कर त्रिपुरा आ गए थे, जहां नागरिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। बतौर ग्रामीणों ने उनसे मारपीट की थी। वहीं 5 लोगों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। तालिबान के आतंकियों ने किया अफगानिस्तान में जगहाटू जिले के गवर्नर की हत्या। तालिबान के आतंकियों ने रविवार को अफगानिस्तान में जगहाटू जिले के गवर्नर राज मोहम्मद वजीरी की हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटीसांगी जिले में वजीरी की हत्या उनकी कार के अंदर ही की गई। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान सरकार पिछले 6 महीनों में 12 जिलों पर नियंत्रण हासिल करने की घोषणा कर चुकी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS News के साथ। नमस्कार।